अच्छे दोस्त ताहिर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने नमाज पढ़ ली? हमने अपनी नमाज घर पे पढ़ ली। एक चीज बतानी है बहुत जरूरी। वो क्या? सोशल डिस्टेंस। अरे हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं बता रही थी कि आज हमारे जो मेहमान आए हैं उनसे बड़ी मुश्किल से वक्त लिया है, क्योंकि वो इतने मसरूफ फनकार हैं कि हर वक्त उनकी कोई ना कोई शूटिंग चल ही रही होती है। तो उनका एहसान है कि आज हमारे दोस्तों की खातिर उन्होंने वक्त निकाला है और वो आ रहे हैं। क्यों ना आते, आज ईद का दिन है तो उन्होंने वादा किया था कि ईद हमारे साथ मनाएंगे। पाकिस्तान का टॉप क्लास अदाकार, पता नहीं किस किस एक्टर और एक्ट्रेस के साथ उसने काम किया और उसको भी याद नहीं होगा। बुलाओ। बिल्कुल। अंजुम हबीबी। अभी हम कुछ और दोस्तों को भी बुलाएंगे, फिर हम सबके साथ मिलके गपशप लगाएंगे और ईद को एंजॉय करेंगे। आपको तो पता है कौन है? कौन? पाकिस्तान की टॉप क्लास एंकर, आर्टिस्ट, ब्रॉडकास्टर और जाने क्या क्या अपनी शख्सियत में उन्होंने लपेटा हुआ है और आज ईद हमारे साथ मना रही हैं। पता कौन है? कौन? दिया रहमान साहिबा। हमारी तीसरी मेहमान कौन है? उफ, पाकिस्तान की टॉप क्लास एक्ट्रेस, मॉडल और बहुत बिजीएस्ट अदाकारा, तशरीफ लाती हैं ईशा। और हमारे दूसरे दोस्त कौन है हमारे साथ? दूसरे नहीं, चौथे। अरे मेल, दो तो फीमेल हुई ना, दूसरे मेल फ्रेंड हमारे कौन से हैं? अरे पाकिस्तान के टॉप क्लास ब्रॉडकास्टर, न्यूज रीडर और सिंगर, माशाल्लाह, आमिर हाशमी। जी अंजुम साहब। जी, बड़े बिजी रहते हैं आप हर वक्त। बस क्या करें, अब मजबूरी है और लोग पसंद करते हैं तो बिजी तो रहना पड़ता है। कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल? प्रोजेक्ट अभी तो अहद वफा खत्म हुआ है। अच्छा। इसके अलावा अभी एक चल रहा है सबात के नाम से चल रहा है और अभी मजीद 1 से 10 जून तक रिकॉर्डिंग है मजीद हम टीवी से। ईद कहाँ पड़ी आपने? ईद घर में पड़ी इस बार। इस बार बेटे मेरे माशाल्लाह और एक मेरा नवासा है, वो मेरे पीछे थे और अल्लाह अकबर इमामत आपने की। बहुत क्या शुक्र अल्लाह का। लेकिन जहाँ दिल थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे हो रहा था कि ये कैसी ईद आई है कि बस घरों में पढ़नी पड़ रही है। बस जी वक्त है ना ऐसा, तो कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा इंशाल्लाह। ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। दिया जी, आप आजकल क्या प्रोजेक्ट कर रही हैं? आजकल हमारा रेडियो चल रहा है, रेगुलर जो हमारे रेडियो प्रोग्रामिंग होती हैं और अभी ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह आप मुझे टीवी की स्क्रीन पर दोबारा देखने जा रहे हैं सब लोग, एक बहुत ही मुख्तलिफ रंग में। अच्छा। और उसके अलावा छोटे छोटे काम, पढ़ना लिखना और ये सब चीजें। आप क्या कर रही हैं आजकल? आजकल बस लॉकडाउन की वजह से सब के सब घर पे ही हैं, स्टक हुए हैं, कुछ ऐसा काम नहीं चल रहा, लेकिन ये है कि ऑनलाइन जितने काम हो सकते हैं वो हो रहे हैं। इंशाल्लाह आफ्टर लॉकडाउन हम अपने अच्छे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, सारा सिलसिला होगा और इंशाल्लाह वापस आप हमें बैक टू लाइफ देखेंगे। हाँ, लेकिन आपको टिकटॉक पे मैं देख रही हूँ। टिकटॉक आजकल एक्चुअली जब इतना टाइम होता है ना हमारे पास कि कुछ करने को नहीं होता, तो हमारे लिए एक जो रह जाता है कि हम या तो ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं कोई, या अपना हम यूट्यूब पे कुछ कर लेते हैं या फिर हम टिकटॉक कर लेते हैं। और टिकटॉक में कोशिश जारी रहती है कि हम अच्छे से अच्छा कर सकें, परफॉर्म जितना अच्छा हो सकता है। तो कैसा रिस्पांस जब बहुत ज्यादा आपको आता है टिकटॉक में, तो कैसा फील करती हैं? अच्छा अच्छा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि हम आपके टिकटॉक्स देखते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जब अच्छा जब लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं ना, तो लिटरली ज्यादा अच्छा फील हो रहा था, फिर दिल करता है कि ज्यादा अच्छे तरीके से मेहनत की जाए। क्योंकि नॉर्मली तो टिकटॉक मतलब ऐसे जस्ट बना रहे होते हैं ना, किसी के लिए नहीं स्पेसिफिकली बना रहे होते कि जस्ट यार अच्छे से दिल कर रहा तो बना लिया, लेकिन जब लोग इतना ज्यादा करते हैं तो फिर दिल करता है कि यार बनाया जाए। अच्छा ईशर, अकेले में परफॉर्म करना ज्यादा मुश्किल है या आसान है कि और तो कोई नहीं देख रहा, बस मैं अकेली ही हूँ? अच्छा नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि सिस्टर में साथ होती है ऐसा कुछ, बट मोस्टली अकेले में होती है तो वो बड़ा कंफर्टेबल माहौल होता है ना, क्योंकि कोई भी नहीं होता। किसी ने ये नहीं कहना होता कि अच्छा ये गलत है, रीटेक ये ऐसा, अच्छा हम अपने अकेले में 10 रीटेक कर लेंगे ना, हमें वो गलत नहीं लगेगा और बड़ा हम अच्छे से तरीके से कर लेते हैं। इसका मतलब अगर आप
क्राउड में आपको शूट करना पड़े, सीन करना पड़े, परफॉर्म करना पड़े, तो थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि वो एक तो अनजाने लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, और नॉर्मली क्या होता है कि शूट्स के अंदर अगर हमें कोई हल्का सा भी कहता है ना, अच्छा ये ऐसे नहीं है, फिर वो वापस रीटेक होता सारा, तो वो एक चीज थोड़ी सी अनोइंग हो जाती है, लेकिन वो यूज तो हो जाता है जब, तो फिर तो नहीं फील होता है। अच्छा रवि ना, एक चीज क्या, आर्टिस्ट सारे लॉकडाउन की वजह से घर पे बैठ गए जी, एक काम चल रहा है अभी। वो क्या चल रहा है? खबरें खबरें पढ़े चले जा रहे हैं, पढ़े चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। और आजकल क्या खबरें चल रही हैं? सिद्दीकी साहब और गुलाब साहब, सबसे पहले तो मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज्जत बख्शी ईद के मौके पे। इसी हवाले से हम सब लोगों के साथ मुखातिब भी है मेरी तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और खबरों के हवाले से जहाँ तक बात है, वो ऐसा है कि जिस तरह फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स जी, पुलिस के हमारे जो नर्सेस जी और जो दूसरे लोग जो परफॉर्म कर रहे हैं, उस तरह मेरा ख्याल हमारे जो आर्टिस्ट ब्रादरी है वो भी अपने लिहाज से परफॉर्म कर रहे हैं जी जी, कुछ भी है हमने अपने टाइम पे अपने स्टूडियोज में पहुंचना है और आके अपना फर्ज अदा करना है। बहुत हमें भी घर वालों से कहा जाता है कि अभी आप जो है ना जाए तो थोड़ा सा एहतियात कर लें, तो उनको फिर हम ये कह के चुप करा देते हैं कि जैसे पुलिस है, रेंजर्स है, डॉक्टर्स हैं, वो लोग अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, तो हमें भी अपने आप को फ्रंट लाइन के सिपाही समझते हुए लोगों तक, उन तक वो खबरें पहुँचानी है हालात हाजरा के मुताबिक, जो है हमने अपना किरदार है वो अदा करना है। जी जी बिल्कुल। हाँ, लोगों को अपडेट रखना है ना कि कोई भी खबर मिस ना हो जाए, मिस ना हो। अच्छा, आप बातें करते जाना, कुछ खिलाना बिलाना नहीं इनको। ईद है बाबा, ईद है, मतलब समैया बेटा ले आओ जल्दी से, मेरी बड़ी बेइज्जती हो रही है। खवातीन के बारे में मशहूर है कि बड़ी शॉपिंग करती हैं, बड़ा इनको शौक होता है बाजारों में, मार्केट में जाने का। तो अब कोरोना की वजह से ज्यादातर तो मार्केट्स बंद थी और आखिरी अशरे में जब मार्केट्स खुली तो उनमें रश बहुत ज्यादा था, तो मैंने तो इस बार आप यकीन जानिए ईद पर कोई शॉपिंग नहीं की। ये तो बचत वाली बात है, वही बचत वाली कहानी है ना कि बड़ा पॉजिटिव असर पड़ा कि हमने। अच्छा, ईद ही मिली कि नहीं? ईद तो बच्चों की होती है ना, उनको भागने होते हैं। अच्छा, क्या फर्क महसूस किया आपने बचपन की ईद में और इस ईद में, क्या फर्क महसूस किया? एक पंजाबी कहावत है, अब्बा अब्बा कहने से बड़ा सुख पाने से, अब्बा अब्बा खवाया बड़ा दुख पाया। अब पहले ईद देते थे, अब देनी पड़ती है, तो फर्क तो पाए ना। अरे खुशी बड़ी होती है वैसे, अभी नवासों को देने के लिए बहुत मजा आता है माशाल्लाह। देखिये, हमने इतने सीनियर आर्टिस्ट बुलाए हैं, हमसे ज्यादा सीनियर, तो ईदी तो हमें मिलेगी ना। हाँ ना, बिल्कुल, वैसे हक तो मेरा बनता है सबसे ज्यादा। आमिर हाशमी साहब, आज हम आपको बख्शेंगे नहीं, आज आपकी खूबसूरत आवाज में हम गाना भी सुनेंगे ईद के हवाले से। नहीं, अब हम आपसे खबर नहीं ना सुन सकते, इसलिए हम गाना सुनेंगे। आपको एक बात बताऊं? क्या? दिया की आवाज भी बहुत अच्छी है, कसम से ऐसा फिट गाती है बाथरूम में। इनको भी हम आज बाथरूम जगह नहीं, मैंने चाट खा ली ना, मेरा थोड़ा सा गला खराब। मैं समझता हूँ नहीं, आप बोल रहे थे ना मैडम नूर जहाँ, तो अचार खा के गाती थी वो मैडम नूर जहाँ थी। आप मैडम दिया जहाँ है, मैडम डम डम डम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ईशल भी गाती है? नहीं नहीं, इसका मतलब आज सारे ही जो है वो नहले पे तहला है, मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट। आज तो भी बहुत मजा आने वाला है जनाब।
ये सियासी खबरें तो नहीं थी, ये बड़ी अच्छी खबरें थी, ये गुनगुनाती खबरें थी। तो हमारे दोस्तों को समझ आ गई होगी कि हम ठीक कह रहे थे कि ये कितना अच्छा गाते हैं, कि कितनी अच्छी आवाज है। आपका जी चाह रहा होगा ना कि ये गाते रहें और आप सुनते रहें। आप कुछ और भी सुनेंगे इनसे, फिक्र ना करें, इनसे भी सुनेंगे। क्या ख्याल है दिया जी से ना कुछ? नहीं नहीं, मैं आज बिल्कुल कुछ सुन कल प्रोग्राम कर लीजिएगा, कल हम गा देंगे। हाँ, कल गा देंगे हम। आज आमिर साहब ने इतना अच्छा गा दिया कि इतनी अच्छी गायकी के बाद जो है ना वो गुंजाइश रहती नहीं है हमारे गाने। अच्छा, ईद के बारे में कुछ क्या कहेंगे आप हमारे नाज़रीन के लिए? ईद हम जिस तरह से बचपन से ईदें मनाते चले आए हैं, ये ईद उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। तो ये भी हमेशा याद रहेगी कि हमने किस तरह से खुद अपने लोगों से फासला रख के, ये पहली ईद है कि शायद जिस पे हम किसी से गले मिले नहीं है ईद, वरना हम हमेशा गले लग के ईद की मुबारक देते हैं। तो वो है, फिर उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है, SOPs जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनका भी हमें ख्याल करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अब हमारी ईद का इस बार हिस्सा बन गई हैं, जिसमें बहुत सी चीज़ें शायद हमें बहुत तकलीफ़दे लग रही हैं, बहुत मुश्किल होता है हमें उन पर अमल करना। जिस तरह हम ईद बचपन से हमने सुना हुआ था कि नए कपड़े पहनेंगे, नए जूते, शॉपिंग और ये सब चीज़ें, मगर इस ईद पर तो चूँकि हमने नए कपड़े भी नहीं बनाए और उस पर शॉपिंग भी नहीं की, तो वो शायद लग रहा है कि कहीं इस ईद के रंग फीके पड़ गए हैं। मगर मैं ये मैसेज देना चाहूँगी आप सब लोगों को कि ईद के रंग कपड़ों से, जूतों से, शॉपिंग से नहीं होते, ईद के रंग अपनों से होते हैं। और अगर आप अपनों का ख्याल रखेंगे इस वबा के दौर में, अपनों को और ख़ुद को महफूज रखेंगे, तो यकीन जानिए आप पूरी ज़िंदगी इसी तरह अपनों के साथ ईद मनाते रहेंगे। तो आज की थोड़ी किसी तकलीफ आपके मुस्तकबिल में आपको जो है वो बहुत मदद करेगी। जी जी, इंशाल्लाह। बहुत पते की बात आपने, और बहुत जरूरी था ये सारी इस चीज को समझना, ये हमारे हक में ही बेहतर है और हमारे लिए ही अच्छा है। बिल्कुल। तो इशल क्या कहेंगी इस ईद के बारे में, कुछ पैगाम देना चाहेंगी आप? ये ईद तो डेफिनेटली काफ़ी चेंज है पहले सारी ईदों से। हमारी इस तरह से शॉपिंग्स नहीं हो सकी, उस तरह से हमने एंजॉय नहीं कर सके सारा कुछ है। बट इस सारे लॉकडाउन से एक चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ हो गए थे कि हमें अपनों के लिए टाइम नहीं था, और हमने वो जो अब जो टाइम हमने अपने घर वालों के साथ गुजारा वो बहुत अच्छा था, लिटरली बहुत इन्जॉय किया। मैंने रमज़ान को बहुत इन्जॉय किया और मैं अब ईद को भी बहुत इन्जॉय करने वाली हूँ। स्पेशली आप लोगों से शुरुआत हुई है और अब घर वालों के साथ ईद गुजरेगी तो बहुत अच्छा। मतलब अपने अपने हर इंसान ने अपनी एहतियात खुद करनी है, और हम अपनी एहतियात के अंदर अपने सारे सिलसिले अच्छे से कर पाएंगे। और आप सब से भी यही है कि आप सब अपनी ईद से ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन अपने अपनी एहतियात पहले और फिर उसके बाद। अच्छा अंजुम साहब, ये बताएं
किसी ईद पे कुछ स्पेशल कुछ ऐसा हुआ हो कि आपको आज तक याद हो कि फलां ईद पे ऐसा हुआ था, कोई ईद की कोई अच्छी सी कोई ऐसी याद कुछ हमें बताएं। ये ईद जो है ना ये डेफिनेट दूसरी ईदों से बहुत मुख्तलिफ है। इस जैसे इन लोगों को कुछ ना कुछ उन्होंने हासिल किया, मैंने भी इसमें हासिल किया बहुत कुछ इस ईद पे, कि ये ईद ऐसी ईद थी कि बहुत से घरों में दूसरे लफ्ज़ों में खुराक कम थी या जिन लोगों के लॉकडाउन में कोई काम नहीं थे, तो एक ऐसा ग्रुप तश्कील हो गया इन दिनों में हादसाती तौर पर आर्टिस्टों का कि हम लोग कम अज़ कम अपने आर्टिस्ट भाइयों बहनों के तो घरों में राशन पहुँचाए ना, तो एक ऐसा ग्रुप तरतीब दिया गया जल बना, फिर हमने सब लोगों ने अपने तई पैसे इकट्ठे करके और इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि हम अपने जो आर्टिस्ट जो उनके काम बंद थे, जो स्टेज के भी हैं, जो टीवी के भी हैं और जो कैमरा के पीछे या आगे काम करते हैं, उनके घर के चूल्हे ठंडे हो रहे थे, तो वहाँ तक हम लोगों ने राशन पहुँचाया और ऐसा पिछली ईदों में कभी ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप लोगों ने ना इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और आप लोगों ने दोनों हाथों से नेकियां बटोरी। मौका मिला, आपने बड़ा अच्छा मौका दिया आपको और आपने जाया नहीं किया, अच्छा बात आप लोगों के काम आया। बहुत शुक्रिया आपका, आपको तो भी चाहिए था। अच्छा ये बताइए ये जो शीशा है ये जना छोटा सा प्यारा सा, ये कहाँ से लिया आपने? ये इमरजेंसी में अपनी लिपस्टिक चेक कर अच्छा बात सुने जी, हमें भाई जब गाना गा रहे थे ना तो एक पैगाम आया था मुझे। क्या? और मेहमान आए हुए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया जी, तो क्या ख्याल है हम इनको बिठाते हैं ड्राइंग रूम में और उनसे जरा गपना लगा रहे? क्यों नहीं, फॉरेन नेकी और क्या। आप ऐसा कीजिए कि आप उन मेहमानों को एंटरटेन करें, हमने यहाँ बराबर में मैंने और हबीबी साहब ने ईद मिलने जाना है, तो हम वहाँ से चक्कर लगाते हुए फिर दोबारा आपके पास फिर आ जाते। अरे ये तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, मेरे लिए आसानी कर दी। हमने यहाँ से उठ के ना ईशल की तरफ जाना है, एक्चुअली इन्होंने मेरी तरफ आना थोड़ी देर के लिए। उसकी खास बात पता है क्या है? वो दरअसल हबीबी साहब जो बात रिवील करना चाह रहे थे वो भी हम बताते चले, वो सस्पेंस खत्म कर। अच्छा आमिर साहब आपकी खबरों का टाइम हो गया तो वो अभी रमजान खत्म हुआ है, रमजान खत्म हुआ है, हमने समोसे खाए, पकौड़े खाए और अफ्तारियां जो हैं वो अपने अपने घरों में की। एक बड़ी स्पेशल किस्म के समोसे हैं जो इशल हमें खिलाते बताएंगे। वो यही कि आपने कभी समोसे खाए ना, हमेशा खाते आया, और इसमें किसी में आलू होते हैं किसी में केमा होता है, लेकिन आपने कस्टर्ड बड़े समोसे कभी नहीं खाए। लेकिन कस्टर्ड वाला समोसा मैंने जिंदगी में सुना पहली बार है। अभी तो आप मेहमानों को एंटरटेन कर रही हैं, हम आपको लेके नहीं जा सकते, तो अभी तो मैं और अंजुम साहब खाने जा रहे हैं कस्टर्ड वाला समोसा। आमिर साहब भी, हाँ आमिर साहब भी, तो अब जब आप फ्री हो जाएं तो फिर आप आ जाइएगा, जरूर खाना चाहूंगी। ये बड़ा नहीं, मैं आपका वेट करूंगी, आप फ्री हो जाएं तो फिर आप जरूर। हम इन मेहमानों से फारिग हुए और आपके यहाँ वारिद हुए, उनका क्या करना है जो बाहर मेहमान खड़े हैं? बुलाए ना, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, फटाफट बुलाए। आपको पता है क्या, पाकिस्तान टेलीविजन का एक सुपरस्टार आया हुआ है। वाह, हाँ फटाफट बुलाए। बड़ी मुश्किल से उसके हमने मिनते तरले करके टाइम लिया उससे। अच्छा बताऊं कौन? फौरन बताएं। टू वेरी फ्रैंक बी शबीर मिर्जा। अस्सलाम वालेकुम। कौन आने वाला है? मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे फनकार, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पता नहीं क्या 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 क्या, उनकी पर्सनैलिटी के इतने पहलू हैं कि आप हैरान ही हो जाएंगे। हीरो भी हैं, विलन भी हैं, कभी क्या बन जाते हैं कभी क्या बन जाते हैं, बारूद शख्सियत के मालिक सुपरस्टार बातें फारूकी। और पता कौन आई हुई है? बताएं। टिकटॉक सुपरस्टार। वाह जी वाह, आजकल तो दौर ही टिकटॉक का है भाई। भाई क्या करें, लॉकडाउन में क्या करें, लोग बाहर काम नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि चलो टिकटॉक में सुपरस्टार बन गए हमारी आपकी आज आवाज। वेलकम। अब मजीद और कौन हमारे दोस्त हैं इस वक्त हमारे साथ, बताएं। उभरती हुई सुपरस्टार बनना चाह रही हैं वो, लेकिन और उसको मैंने बताया, मैंने कहा अभी सुपरस्टार की दौड़ में नहीं जाना, अभी सिर्फ तुमने परफॉर्म करना है, जाहिर है, तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। दुआ अली।
हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे घर पाकिस्तान टेलीविजन के सुपरस्टार आए हुए हैं और हमें आज पहली दफा मौका मिल रहा है उनके साथ लाइव बात करने का। हम तो उनको टीवी पर ही देखते रहते थे। तो मिर्जा साहब जी सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। कैसा लगा हमारे घर आके? जबरदस्त, इतना अच्छा सजाया हुआ यार, वाह वाह। हमारे घर में स्टार्स आ रहे थे तो हम घर ना सजाते, ये कैसे हुआ? ये कैसे? मजा आ गया, वाह वाह। ईद कैसी गुजरी आपकी? बस घर बैठ के। नमाज कहाँ पढ़ी? घर पे। थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। हाँ, सारा मुख्तलिफ हो गया, लेकिन चलो अच्छा, ये वक्त के साथ करना ही पड़ता है ना। इसका भी अपना अलग मजा है। अपना मजा है इसका। आप लोग इतने बिजी होते हैं शूटिंग्स में, तो लॉकडाउन में घर बैठकर कैसा लगा? बोरियत, सख्त बोरियत। हाँ, सही कहते हैं ना, काम करने वाला एक, बंदा फारिग नहीं बैठ सकता। एक दो दफा आपने जो बुलाया तो थोड़ा सा चेंज लगा है, वो अच्छा लगा है वो, लेकिन फिर वही घर में। लेकिन वो एक बात ये अच्छी हुई कि घर वालों को ये गिला खत्म हो गया कि आप हमारे साथ नहीं बैठे, उनको टाइम दे रहे हैं हम। बल्कि घर वाले कह रहे हैं ये कब जाएंगे। हाँ, यही बात है। पहले आते नहीं थे, अब जाते हैं। ये तो बैठ ही गए। बातिन साहब, आप बताएं, बाहर आप लोगों में बहुत मशहूर है कि आप बड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन अभी तो आप बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। घर में वालों को भी इसी तरह मुस्कुरा मुस्कुरा के एंटरटेन करते या रोब झाड़ते रहते? नहीं नहीं, रोब तो मेरी शख्सियत का शायद हिस्सा है, नजर आता है, लेकिन है तो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल एक आम इंसान की तरह हूँ। जहाँ गुस्सा करना है गुस्सा कर लिया, जहाँ गपशप लगानी है गपशप लगा ली। तो मेरे ख्याल में एक यही एक फितरी बात है, तो उसके करीब रहने की कोशिश करता हूँ। आर्टिफिशियल नहीं हूँ बहरहाल, ये कंफर्म है। लेकिन दूसरों से आप बहुत मुख्तलिफ हैं। वो देखे ना, आपको अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ पैदा किया है, मुख्तलिफ आपकी आदत होंगी, मुख्तलिफ आपकी शख्सियत होगी। आप मेरी तरह नहीं हो सकते, मैं आपकी तरह नहीं हो सकता। यहाँ भी आप जैसी नहीं। यहाँ पता क्या होता है, हम लोगों को अपनी तरह करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ आप मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, कहते हैं नहीं। तो मैंने कहा मैं आपकी तरह नहीं सोच सकता, वेरी सिंपल। तो कहने का मकसद है कि हमें अपने अपने स्टाइल में रहना है, लेकिन चूंकि हम दोस्त हैं, इकट्ठे हैं, तो थोड़ी थोड़ी बर्दाश्त भी करनी है और थोड़ी थोड़ी स्पेस भी देनी है। तो इसलिए जिंदगी का ये सफर जो है हमारा जारी है, और मेरे दोस्तों में कमी तो नहीं है, मेरे दोस्त तो बहुत ज्यादा है इसमें, तो कोई शक नहीं है। और आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप इतने मुख्तलिफ हैं, तो क्या ईद भी आप मुख्तलिफ तरीके से गुजारते हैं? बिल्कुल। क्या मुख्तलिफ करते हैं आप? हम बचपन में हमें अंडा और पराठे या नान से हमारा नाश्ता होता था, क्योंकि अच्छा। मीठा इतना खाया होता था, तो उसके बाद वो जो अंडे का सालन होता था ना, तो वो अभी तक मैं कहता हूँ मुझे ईद वाला अंडा बना दो। कुछ स्पेशल अंडा होता था वो? हाँ, मतलब थोड़ा सा, मतलब इस तरह सालन टाइप होता था, तो अल्लाह जल्दी फरमाए। हाँ, तो हमारी वालदा साहिबा बनाती थी, तो अब बेगम से ईद वाला अंडा वो मेरा लाजमी होता है। हमारा एक ये कि हम पूरी फैमिली जो इकट्ठा, मतलब हम हमारा लंच होता है वहीं पर, बहन भाई भतीजे भांजे सारे हम इकट्ठे हो जाते हैं। तकरीबन 70-80 के करीब हैं अल्लाह के फजल से, माशाल्लाह। हम सात भाई हैं ना, अच्छा, तो उनके बच्चे और ये वो, तो ये हमारा शुरू से ये सिलसिला है। 4-5 बजे तक वहाँ रहते हैं, उसके बाद घर को आ जाते हैं, फिर आपकी अपनी अपनी फैमिली की जो रूटीन है। तो इस दफ़ा जो है थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ है, अच्छा भी इसलिए लग रहा है कि एक जैसी ईद करके आपकी रूटीन सेम है, लेकिन इस दफ़ा ये है कि थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सा मतलब ख्याल लोगों का वो, तो मेरे ख्याल में अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लें तो सारे सिस्टम वैसे हम चला सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने पूरे पाकिस्तान में काम किया? जी जी, कोयटा में भी किया, पेशावर में भी किया, लाहौर में किया, इस्लामाबाद, कराची। जी, किस स्टेशन पर ज़्यादा मज़ा आया आपको काम करने का? पेशावर में, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, मेरी शनाख्त वो पेशावर टेलीविजन से ही है। वहाँ मैंने पश्तो ड्रामा किया, मैंने उर्दू ड्रामा किया, तो उन लोगों की वजह से आज मैं गुमनाम बातन फारूकी नहीं, नाम वाला बातन। आज बड़ा मजा आएगा, आप लोगों के साथ बड़ी गपशप होगी। और जो वहां बैठी हुई है हमारे साथ टिकटॉक स्टार जी, ये टिकटॉक बनाने का शौक कैसे पैदा हुआ? सडनली काफ़ी ट्रेंडिंग है। सेकेंडली आप कुछ ना कुछ मैसेज लाजमी देते हो टिकटॉक में।
काफी चीजें होती हैं जो आप कहना चाह रहे होते हो लेकिन कह नहीं पाते हो, तो बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी बात रख सकते हो बहुत से तरीकों से, उसमें नेगेटिविटी भी है पॉजिटिविटी भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कैसे अप्रोच करते हो। तो एक्टिंग करने का शौक था अंदर या अचानक से पता चला कि नहीं मैं एक्टिंग भी कर सकती हूँ? नहीं, हमेशा से था, और टिकटॉक ने लाइफ बहुत ज्यादा आसान कर दी, शौक उस तरह नहीं इस तरह पूरा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई जरूर कर। और इसी चक्कर में बहुत सारे लोग स्टार भी तो बन जाते हैं ना? हाँ, बहुत सारे लोग स्टार बन जाते हैं, और काफी ज्यादा को जरूरत नहीं पड़ती कि बहुत ज्यादा बड़े प्लेटफॉर्म में जाए, वो यहीं से बहुत ज्यादा नाम कमा लेते हैं। बड़ी रेस है भाई, इन टिकटॉक स्टार्स में भी बड़ी रेस है, बड़ा ट्रेंड है भाई, और बहुत ज्यादा लोग इसको करते भी हैं, और कुछ लोग तो सिर्फ देखने का शौक रखते हैं। और ये जो साथ बैठे हैं ना इनके, ये जो मुस्कुरा रहे हैं, मेरे टिकटॉक देखता रहता है। मैंने भी देखे हैं, ये भी बड़ी माहिर हैं टिकटॉक बनाने में, और फिर आपको पता है कि ये मॉडल भी बहुत अच्छी है, मॉडल भी बहुत अच्छी, हर वक्त कहती रहती मेरे लिए दुआ करो। तो क्या हो रहा है आजकल? बस ईद एंजॉय कर रहे हैं, और क्या, जबरदस्त। अरे रीना, ये मोहब्बत दोबारा करो भाई, बेटा लेके आओ जल्दी से, मेरी बेइज्जती हो रही है दोबारा से। अच्छा बातिन साहब, आपने पिशावर में काम किया, क्योंकि आपने बताया कि वहाँ आपको ज्यादा अच्छा लगा, ज्यादा मजा आया, तो आप तो पश्तो भी बहुत अच्छी बोलते हैं, और मैंने पश्तो में आपको गाते हुए भी सुना है, आप गाते भी बड़ा कमाल का है, तो आज हम आपसे गाना भी सुनेंगे। हुआ ये कि पश्तो मैं बोलता नहीं, पश्तो मेरी अपनी जुबान है। अच्छा, आपकी मदर लैंग्वेज? जी। वैसे पठान लगते तो नहीं है? नहीं, लेकिन हूँ ना पठान, माशाल्लाह। पंजाबी पंजाबी पटवारी सरायकी ये मैंने सीखी है, लेकिन अपनी जुबान मेरी पश्तो है। हाँ, और मैंने ये देखा है जो भी पश्तो आर्टिस्ट होता है ना, माशाल्लाह मोस्ट टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं। हाँ, और दूसरों से थोड़ा सा अलग ही अलग मल्टी डायमेंशनल आर्टिस्ट होते हैं। देखे ना, पठान एक आर्टिस्ट आ जाता है आपके शो में तो मतलब वो। अच्छा बात सुने बातन साहब, आप फिल्म की तरफ भी गए? जी, मदर लैंग्वेज आपकी है पश्तो, लेकिन मैंने आपकी पंजाबी फिल्में भी देखी हैं। हाँ बिल्कुल। ये क्या कमाल? ओए नूरिया, ये क्या? वो ये कि हमारे चूंकि ज्यादा फिल्में पंजाबी बन रही थी ना, जी जी, एक उसमें उसका सर्कट ऐसा था कि तेज था, उर्दू फिल्में बनती थी, तो मैंने उर्दू और पंजाबी दोनों की, पश्तो फिल्म मैंने नहीं की। अच्छा। उसकी बहुत सारी वजूहत है, मुझे डर लगता था, डर नहीं लगता था कि मेरे इलाके के लोग हो सकते हैं मुझे पश्तो फिल्म में देख के खुश ना होते हैं। जी, ठीक है ना, और पंजाबी और उर्दू वो देखते नहीं है। तो कमाल की बात, तो इस हाँ, तो इसलिए उर्दू पंजाबी की, और मतलब मुझे बेसिकली जो शौक था या मैं जो बनना चाहता था, फिल्म एक्टर बनना चाहता था, गया हूँ मैंने काफ़ी 20-22-25 फिल्में की, लेकिन फिर एक दौर ऐसा है कि फिल्में हमारी वो होगी, लेकिन आज भी अगर मैं करना चाहूंगा, अगर मेरी मर्जी मुझसे पूछेंगे तो मैं फिल्म ही करना चाहूंगा। आप अपने आप को बड़ी स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या कर रही हो आजकल, कोई प्रोजेक्ट है जो आपके पास? कमिंग सून पे हमारी एक टेली मूवी है, वो इंशाल्लाह आ रही है। अच्छा, इंशाल्लाह ईद के बाद रिलीज हो जाएगी, तो वो लोग आप जरूर देखिएगा। हाँ जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे जरूर। और टिकटॉक पे आपने अपनी वीडियो जरूर भेजनी है, अपनी फ्रेश वाली। अभी रोजाना वैसे कितनी वीडियो बनाती हैं आप? 4-5 बनाती ज्यादा हूँ, लेकिन पोस्ट 4-5 करती हूँ। अच्छा, और आपके फॉलोअर्स तो बहुत ज्यादा होंगे? 3 लाख। इतनी ज्यादा? और रिसेंटली बस 2 मिलियन होने वाले हैं लाइक्स में, हार्ट। इस ईद पे क्या कहेंगे आप हमारे नाजरीन के लिए? कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन मोहब्बत बांटे बस, मोहब्बत फातह आलम। नहीं, वो अमजद इस्लाम अमजद साहब का एक शेर है ना जी, कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। वाह वाह, क्या क्या बात है। मैं बता रही थी कि आप गाते बहुत अच्छा है, तो क्यों ना गा के आप ईद वाला दिन और हमारे नाजरीन की ईद दोबारा क्यों नहीं करते गा के? आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे अरे,
माशाल्लाह पाकिस्तान देखता है, पसंद करता है, प्यार करता है, बड़ी आपको सुनना चाहता है। माता पसरोस्तर गो कतल मकवा मड़बामी के जमा जनाना मड़बामी के, माता पसरोस्तर गो कतल मकवा मड़बामी के जमा जनाना मड़बामी के, दुस्पोंग मैं खोरी मड़बामी के, जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा। जम्मा पस्तर गु वो के दे गुलशी, जम्मा पस्तर गु वो के दे गुलशी, चीज बजता पमीना बलता गड़ा मोमा मड़बा मुश्के, जम्मा जनाना मड़बा में के दस्पोंग मैं खोरे मड़बा में के, तूने कहा था साथ जिएंगे, मैंने कहा था साथ मरेंगे, सपना ना टूटे ये सुहाना मर जाऊंगा, हो जाने जाना मर जाऊंगा, जमा जाना ना मड़बा में के हो जाने जाना मर जाऊंगा। वाह मजा आ गया, ईद का मजा तो वाला हो गया। थैंक यू सो मच। तो बात सुने जी, वो जो और मेहमान बैठे हैं उनका क्या करना है? बुलाना है उनको, उनके लिए कुछ सामान रखा हुआ है कि नहीं? अरे बहुत सामान है, फिक्र ना करें। अच्छा। ना अभी ईद खत्म हुई है, ना हमारे मेहमानों की आमद खत्म हुई है, ना ही हमारे खाने पीने की चीजें खत्म होने वाली है। आज तो ईद आपको जरूर हम डबल ट्रिपल ट्रिपल करके मजे कराने वाले हैं। क्या तो ख्याल है? मेरा ख्याल है बादल साहब को बिठाते हैं डाइनिंग में ताकि ये हमसे छुप के मजे मजे से बनाए और खा ले। खाने के बाद साइड से ये थोड़ा खाना पीना कर लें, इतने में हम कुछ और दोस्तों को बुलाते हैं, फिर हम दोबारा इकट्ठे होंगे, फिर गपशप लगाएंगे, हम आपसे और भी गाने। बादल साहब आपने छुप के चले नहीं जाना? नहीं 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 नहीं, मिर्जा साहब आपके साथ है जी। थैंक यू सो मच। जिस स्टार का मैं तारुफ करवाने लगा हूं, उस घर में बेशुमार प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस गए हैं। उनके वाले साहब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनके भाई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो खुद प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनके चचा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, उनके कजन्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मैं कहता हूं जी कमाल हो गया बीना जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वो हस्ती है जिनको लोग देखने की, मिलने की, बात करने की ख्वाहिश करते हैं। और आज तक मैंने उनको सिर्फ टीवी पे ही देखा था। बिल्कुल, आज पहली दफा इत्तेफाक हो रहा है कि वो हमारे घर तशरीफ लाए और मैं उनसे लाइव बात करूंगा। बाबर नियाज़ी जी, बड़ी मेहरबानी जनाब। बाबा साहब आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक और तमाम देखने वालों को, जहाँ जगह हम देखे जा रहे हैं, सबको बहुत 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 ईद मुबारक और अल्लाह ताला खुशियों वाली ईद लाए। ये जो बीच में ड्रोना सा काम डाल दिया है, इससे अल्लाह माफ कर रहे हैं, हम सब इस्तग़फ़ार करें इससे, अल्लाह हमें माफी दे दे। हमारी आज की जो दूसरी मेहमान है, खूबसूरत, हसीना, अच्छी मजेदार बातें करने वाली पर्सनालिटी की मालिक, बहुत अच्छी फनकारा, बहुत अच्छी माँ, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बीना कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको भी। बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच, आप आई। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल आज आपने बहुत मजे मजे के खाने बनाए होंगे क्योंकि आप कुकिंग एक्सपर्ट हैं। रात से शुरू हो गए थे, चांद रात से बनना शुरू हो जाए। अच्छा, चांद रात कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी। और कोई चूड़ियाँ, कोई मेहंदी इस दफा तो नहीं होगा? नहीं, इस दफा इस तरह तो नहीं, लेकिन ये कि कुकिंग वुकिंग करके घर में ही अपनी सारी गैदरिंग को जो है ना उसको किया गया, घर में बच्चों के साथ खाना शीर कोरमा बनाया, उसके बाद फिर मैंने कहा सुबह रखा मैं चाट वगैरह बना ली, उसके बाद कबाब वगैरह बना के सारे काम अपने रात को निपटा लिए। बिल्कुल, मैं सुबह ईद तक नहीं सोने का होता सुबह, फिर ये किया। इस लड़की को मैं टेलीविजन पे बहुत देखा है। ये सुपर मॉडल है, टिकटॉक स्टार है। अच्छा। हाँ, ये और ये टिकटॉक पे बड़े पैसे भी कमा रही है क्योंकि इनके फॉलोअर्स लाखों में हैं। लेकिन कोई चूड़िया नहीं, कोई मेहंदी नहीं, ये किस किस्म की ईद है भाई? वो दरअसल आपको पता है कि इन दिनों हालात बहुत ज्यादा खराब है। ये बाबा जी किधर बैठे हैं?
बाबा किन कह रहे हो तुला कौन हो रहे थे? नहीं हम भाई जान ईद मना रहे, आप शायद जकात लेने आ गए। मैं ईद मना रही, मैं फिर मनाना है ईद मना रहे। ओ, मैं तो इस वास्ते खजल खुआर हो रहा सी भाई के मैं सूट लिया सी अपना सलवार की सलवार वास्ते। अच्छा, मैनू दर्जी कोई नहीं मिले, मैं पगड़ी बना ली। अली लाओ भाई, इनकी बेइज्जती हो रही है। अच्छा, की बात हो गई। अच्छा, ये सर भी बड़ा अच्छा करती है। ये बाबा जी की बात को मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा, आप सबके लिए भी बात करूंगा कि हमारे यहाँ ये कल्चर है कि हमने हाथ भी जरूर मिलाना है और गले जरूर मिलना है। ये अगर किसी के गले नहीं मिलते या किसी को हाथ नहीं मिलाते वो नाराज हो जाते, वो गले पड़ जाता है। सच्ची बात है, वो नाराज हो यार सानू कोई बीमारी नहीं, सानू गले नहीं मिले, ऐसी बात नहीं है। आप खुद भी तैयार करें, ये तो फरमान भी है कि अगर ज्यादा लोग हैं तो आप मसाफा ना भी करें, वैसे सलाम कर दें तो सबको पहुंच जाता है, तो इसमें बुरा मनाने वाली बात कोई नहीं है। माशाल्लाह आज तो रेड ब्लड ही लग रहे हो। रेड ब्लड लग रही है, मैं तो समझी थी कि रूह अफ़ज़ा लग रही है। आज रूह अफ़ज़ा, रूह अफ़ज़ा मीठा होता है। तो ये मीठी नहीं है, मीठी ईद है ना, हम तो इसको यही कहते थे, तो मीठी ईद पे मीठा मीठा लगना चाहिए। अच्छा प्लीज आप ले मिठाई भी ले, ये और ये जो ताहिर ने चटनी बनाई है ना चाट में मिक्स, ये जरूर मैं चटनी जरूर बताइएगा, इन्होंने बड़ी मेहनत से बनाई है। आपको बताऊं चटनी का भी बड़ा फन है ये। जी बीना जी बहुत ही मजेदार, बड़ा थैंक यू सो मच, बड़ा मीठा, बड़ा बैलेंस। हां जी गुड, ये बड़ा बैलेंस रखती है जी सबको। मैनू ना शुगर फ्री बर्फी दे दे, पर ठीक है ठीक, बल्कि तुम फ्री ना कर दी। मैं तो फ्री हो ही जाना जी, मैं गल कर लगा जी साहब माशाल्लाह बैठे जी उस्ताद आदमी ने, वो मेरे चाचे ने बड़े सालों बाद कितने रोजा रख लिया। अच्छा जी, देखो जेड़ा मेरा चाचा वो बेटा भी चाचा होना सही कह रहे हो जी। ओ मैं उन्होंने रोजा रख, अच्छा वो हर 10 बजे के टाइम पे पूछने लग गए सूरज डुबा है कि नहीं। मैं कहा चाचा जी हाली 10 बजे की हो गया, फिर जनाब 2 बजे कहता वो गल सुन वो सूरज डुबा के नहीं। मैं कह नहीं जी हाली तो हूँ चमका मारदा पे, तुम रोजा रख रहे हो, मैं सूरज का ठेकेदार हाँ। अच्छा फिर जनाब शाम का टाइम हो गया तो 10 बारी चाचे ने पूछा सूरज डुबा के नहीं। मैं कह नहीं जी ये नहीं जो डुबा नहीं, ये तो फिर मैनू अज लाया कि डुबेगा। अच्छा सुना बाबा जी आप सफल बलूक बड़ी अच्छी गाते हैं। और देखो तुम की कर रहे हो, गुस्ताखी कर रहे इतने खास साहब। नहीं 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 सफल बलूक तो पढ़नी चाहिए बड़ी। अच्छा वो पढ़ते हैं या गाते हैं? देखिए गाना तो अलग चीज है, वो तो गाई ही जाती है, लेकिन कलाम जो होते हैं उसको पढ़ना ही कहना चाहिए, पढ़ना उसको कहना चाहिए, पढ़ना अदब रखी। नात शरीफ गाई नहीं जाती, पढ़ी जाती, पढ़ी जाती। माशाल्लाह नात शरीफ को हम गाते तो हैं, उसमें हम मुर्गियां बहुत डालते हैं अपनी तरफ से, लेकिन वो पढ़ उसको कहना जरा अच्छा लगता है, पढ़ना ही बोलना चाहिए। खान साहब लोग ने इन सामने गाना जो है ना ਉਹ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਦਿਖਾਣ ਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਵਹਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵਹਾਓ ਅੱਜ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵਹਾਓ। ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਸੁਫਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਬਾਵਾਂ, ਦਰਦੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਖੋਲਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵਿਛੜੇ ਨਾ ਜਾਵਾ। ਲੈ ਬਈਆਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਲੈ ਬਈਆਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, बड़ी मेहरबानी बाबा जी, आप यहाँ मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हम अपने दोस्तों को आपसे कोई गाना ना सुनाए ये तो हो नहीं सकता। अरे बिल्कुल, तो आप प्लीज हमें कुछ सुनाए जी, क्योंकि आपका को सुनने के लिए तो कान तरस जाते हैं, और वो भी सामने बैठ के आपको सुनना तो बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब यू जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, यू जिंदगी की राह एक रोशनी अंधेरों में
बिखरा गया कोई रूह जिंदगी की राह दिल विच रांझे दख्याल में नहीं जाना हाय वे मैं नहीं जाना वे नहीं मैं जाना खेड़ियां देना दिल विच रांझे दख्याल में नहीं जाना खेड़ियां देना वैसे आप लोग क्या बात है कर दिया सुकून आ गया माशाल्लाह मेरा बेटा मेरे साथ आज कह रहा कि मैंने भी अंकल तायर के घर जाना है तुम्हें साथ ले चले मैंने कहा जहांगीर जहांगीर के बारे में पता है आपको नहीं मुझे इतना ज्यादा नहीं पता प्लीज मुझे बताएं आजकल जहांगीर माशाल्लाह बड़ा हाई फ्लाई पे जा रहा है भाई माशाल्लाह बड़ा सुपरहिट गीत दिया इसने वो नेस कैफे वो सुना होगा आपने लेकिन अब सामने बिठा के ना सुने ये कैसे हो सकता है तो जहांगीर जी मैं आपको पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं और ईद की मुबारकबाद भी मैं देना चाहता हूँ देखने वालों को जो हमें देख रहे हैं तो नेस्केफे बेसमेंट का ही जिक्र हुआ है तो उन्हीं उसी गाने का थोड़ा सा जरूर 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 जे जाना छड़ जान सुतीनू एक पवी नलोमी पैदी नींदर नाल मैं प्यार ना कर दे मेरी जान ए दुख ना सैदी ओ जान देनू मैं जान ना दे जो टुरदा लड़ फड़ लेंदी प्यारे थारे बिना लागे नहीं महाराज हरे ओ थारे बिना लागे नहीं महाराज हरे नैनों ने तारी के सजा दू किया रे नैनों ने तारी के सजा दू किया रे थारे बिना लागे नहीं महाराज हरे ओ थारे बिना लागे नहीं महाराज हरे वाह बिना जी ये थर्ड जनरेशन है इस फैमिली की लेकिन लगता है कि जैसे ना पैदा होते ही गाना शुरू कर दिया था इतना पक्का और इतने सुरीले क्या बात है भाई क्या बात तो फैल नियाजी साहब बाबर नियाजी साहब जावेद भाई तो कमाल है ना मैं उनकी बात कर रहा हूँ ये थर्ड जनरेशन की जहांगीर नियाजी लेकिन अल्लाह पाक ने देखे ना कैसा करम किया है कि एक से बढ़कर एक सुरीला है इनके घर में तो आप लोगों को तो जरूरत ही नहीं पड़ती होगी जब भी आप बैठते होंगे तो एक दूसरे को सुना के एंजॉय कर लेते होंगे मेरे वालिद का कहना है कि कुछ जरूरी नहीं है कि एक बड़े फनकार का बेटा भी उसी तरह का फन वो कहते थे कि पहलवान जो होता है ना बड़ा पहलवान उसका बेटा अगर खाड़े नहीं जाएगा ना जोर नहीं करेगा तो वो पहलवान नहीं कहलाएगा सही तो बाकी ये गाना जो है खास तौर पे मैं इसकी बात करूँ ये जब उसका कर्म होता है क्योंकि आपके गले का काम है ना हवा का काम है ये अल्लाह का खास तो ये उसका कर्म होता है तो सिंगर बन जाता है उसके कर्म के बगैर कुछ नहीं होता सच्ची बात तो ये उसकी मेहरबानी है कि थर्ड जनरेशन में भी गाना अगर दिया है तो उसकी मेहरबानी से बुजुर्गों की दुआ लगी है तो ये बच्चे गा रहे हैं हमारी दुआ है कि अल्लाह करे ये अच्छे आर्टिस्ट बने ब्लड है ना जी ब्लड दौड़ रहा है माशाल्लाह
अच्छा ताहिर, वो अली मुझे इशारे कर रहे हैं कि हमारे कुछ और मेहमान आ गए हैं, तो उस साइड पे तो जगह ही नहीं बची। मेरा ख्याल है बुलाएं उनको अंदर, मेरा ख्याल उनको इधर ही बुला लो। अगर हम अगर हमें इजाजत दे दे तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा बाबर साहब, ना 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 ना। तो हमारा वो क्या कहते हैं ना कि पार्टी शुरू हुई है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो हमारी तिश्नगी खत्म ही नहीं हुई, ऐसे कैसे हम जा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, कहीं जाना भी था तो अगर मेहमान आ रहे। अच्छा चलिए चलिए, ऐसा करते हैं, चलिए चलिए जी, जैसे उनको भी बुला लेते हैं। मेरा ख्याल बात सुने, उनको यहाँ बुलाते हैं और बाबर साहब से एक रिक्वेस्ट मैं खुद करता हूँ। हाँ, ये बड़ा जरूरी है। वैसे मेरा अभी ना अंदर से वो है ना, पंजाबी में कहते हैं ना, मेरा दिल हले रजिया नहीं, मैं और भी सुनता है। तो ईद का मौका है ना, तो हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस के साथ सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, अच्छा लगे, सारे सबको बुला लेते हैं और ऐसा कमाल मजा आएगा ना जब ये गाएंगे, सब एंजॉय करेंगे, ईद का मजा दुबाला हो जाएगा। लाई बे कदरा लल यारी, लाई बे कदरा लल यारी, ओए लाई बे कदरा लल यारी, ते टूटे गे तड़क करके बल्ले बल्ले, ते टूटे गे तड़क करके, लाई बे कदरा लल यारी, ते टूटे गे तड़क करके बल्ले बल्ले, टूटे गे तड़क करके। जदों से यो वक्त जवानी होश आवण लगी, ओ जागे भाग माही कर आया जगन मनावण लगी, जागे भाग माही कर आया जगन मनावण लगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एक्ट्रेस सिंगर एंड होस्ट मेघा। इस ईद पर हम और आप होंगे साथ साथ।